आज भी ऐसी कई प्राचीन तकनीक हैं जो हमारी परंपराओं में शामिल हो गईं और सदियों में हुए मानव विकास की कहानी बयां करती हैं। इन तकनीकों से पता चलता है कि किस तरह वक्त के साथ मानव ने अलग अलग आविष्कार कर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। ऐसी ही एक सदियों पुरानी तकनीक है घराट या पंचक्की। बिना मोटर के आटा पीसने और अब कई जगह पर बिजली बनाने के लिए प्रयोग हो रही ये तकनीक आज भी आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। एक रिपोर्ट। पर्वतीय क्षेत्र की अपनी मुश्किलें और आसानियां हैं। ढलानदार बनावट के चलते यहाँ बसाहट से लेकर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण मैदानी इलाकों से मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ प्रकृति हमेशा मेहरबान रही है। हरियाली से लेकर पर्वतीय जलधाराएं यहाँ के निवासियों के साथ साथ मैदानी इलाकों की जरूरत को भी पूरा करती हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मंडी इलाका है, जहाँ आधुनिक विकास और प्राचीन ज्ञान एक साथ देखने को मिल जाता है। जिन जल धाराओं को रोककर नवीन तकनीक से पनबिजली प्लांट बनाए गए हैं, उन्हीं जल धाराओं का यहाँ के लोग पुरानी घराट चलाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। घराट एक पुरानी तकनीक है, जिसमें बिना बिजली या मोटर के आटा पीसने की चक्की चलाई जाती है, जिसे पनचक्की भी कह सकते हैं। शायद बाद में इसी तकनीक को विकसित और व्यवस्थित कर जल विद्युत उत्पादन का आविष्कार हुआ होगा। घराट या पंचक्की का बहुत आसान सा विज्ञान है। इसके लिए पहाड़ी इलाकों में जल धारा के नजदीक एक कमरा बनाया जाता है, जिसके अंदर पारंपरिक चक्की की तरह दो पत्थर लगाए जाते हैं। इनमें निचला पत्थर स्थायी होता है और ऊपरी पत्थर एक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। इस शाफ्ट में नीचे की तरफ एक टरबाइन की तरह पंख होते हैं। शाफ्ट या टरबाइन घूमने पर पत्थर घूमता है। पहाड़ियों से निकलने वाली जलधारा को नालियों और परनालों द्वारा पतली धार में ऊंचाई से नीचे लाया जाता है। ये धारा जब तेजी के साथ टरबाइन के पंखों से टकराती है तो पत्थर घूमने लगता है, जिसमें अनाज डालकर पीसा जा सकता है। चक्की में आने से पहले परनाले पर एक रुकावट भी लगाई जाती है, जिसे बंद करने पर पानी की धार रुक जाती है और चक्की भी रुक जाती है। इस तरह इसे अपनी जरूरत के मुताबिक चलाया और रोका जा सकता है। सदियों से इस तकनीक का इस्तेमाल होता रहा है, जो अब बिजली की उपलब्धता और अन्य साधनों के आने से लगभग विलुप्त होती जा रही है। हालांकि कुछ पहाड़ी इलाकों में इसी तकनीक से स्थानीय बिजली भी बनाई जा रही है।